नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लॉकडाउन में एक और जहां आम जनता तक फल और सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वहीं इन सब्जियों को उगाने वाला किसान भी परेशान है। इंदौर शहर के समीप गौतमपुरा में एक ही किसान को अपनी 4 लाख की फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा। किसान ने खेत में सब्जियां उगाई थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से उसे बेच नहीं सका, जिसके कारण उसे इस फसल को खुद ही नष्ट करना पड़ा। इंदौर शहर के समीप गौतमपुरा इलाके के रहने वाले किसान महेश भूत ने मार्च में अपने खेत में लौकी की फसल लगाने की शुरुआत की थी। किसान को उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में फसल तैयार होने पर उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन फसल की बोवनी के कुछ दिनों बाद ही लॉकडाउन लग गया और जब तक किसान की फसल तैयार होती तब तक शहर में मंडियां भी बंद हो गईं। किसान ने 2 बार लौकी को इंदौर में बेचने के लिए इंदौर पहुंचाने के प्रयास भी किए, लेकिन लौकी नहीं बिकी, जिसके बाद किसान ने इंदौर ले जाई गई सब्जी लोगों को मुफ्त में ही बांटी। साथ ही किसान ने गांव में भी ये संदेश पहुंचाया कि जिसे भी लौकी चाहिए वो मुफ्त में उनके खेत से ले जा सकता है। लोगों के द्वारा किसान के खेत से लौकी ले जाई गई, लेकिन उसके बावजूद खेत में लौकी की भरमार लगी हुई थी। आने वाले समय में किसान को सोयाबीन के लिए अपना खेत तैयार करना था और खेतों में लौकी पड़ी हुई थी, इसलिए अगली फसल की तैयारी के लिए किसान को मजबूर होकर इन लौकी को हटाना पड़ा और इसके लिए खेत में ट्रैक्टर से लौकी की फसल को हटवाने का काम शुरू किया गया। फसल लगाने में किसान को लगभग 1.5 लाख से ज्यादा का खर्च आया था और इसके बाद तकरीबन 4 लाख का मुनाफा किसान को होने की उम्मीद थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण पूरी फसल किसी काम की नहीं रही। ये जो लौकी आल आपने जो खेत में बो रखी है, क्या हुआ इनका लॉकडाउन के भीतर और आप क्यों ट्रैक्टर बखर रहे हैं यहाँ पे? क्यों लॉकडाउन में फसल जब मेरी पक्की तैयार हुई थी, जब उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया, किसी तरह मंडी नहीं बिकी, किधर में माल मेरा नहीं गया, जिससे मेरे को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कितने बीघा में आप जो ये फसल आपने इसकी आल की बोई थी? 10 बीघे में मैंने लौकी बोई। अच्छा, कितने का नुकसान करीबन मान सकते? ये 4 लाख के आसपास। कितने बीज लगाए थे आपने? बीज लगाया था 15,000 का बीज लगाया था और 20,000 मजदूरी हो गई मेरी। अच्छा, अब इस लौकी को क्या करेंगे आप? इस लौकी को मैं खेत जोतने के लिए अगली फसल के लिए तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, आपने प्रयास करा इसे बेचने का? लौकी प्रयास करा, मगर किधर भी मंडी बंदी थी। एक दिन मैंने इंदौर पहुँचाया था तो वहाँ पे भी मंडी वाले को ठेला भगा दिया था। इसके अलावा बाकी लोगों में बांटा, बाकी लोगों को बांटा बोल दिया, जिसको ले जाना था जो ले गए खेत में उखाड़ के, बाकी उसको जरूरत नहीं। कितने कुंटल होगा ये माल करीबन? ये कुंटल करीब होगा 1,000 कुंटल। क्या नाम आपका? महेश कुमार सिमरन पाकिस्तान। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।